देख रहे हैं पहाड़ टीवी, मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुनस्यारी में 3 पुलिसकर्मी के साथ एक स्थानीय ग्रामीण के कोरोना संक्रमित निकलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। बागडेट में शिक्षकों की तैनाती की एंट्री करना पड़ा महंगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी हुए निलंबित। नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस लाइन ज्ञान से उत्तरकाशी में नशा मुक्त काउंसलिंग शिविर का किया गया आयोजन। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या पहुंची हरिद्वार, हरिद्वार अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा बैठक। टिहरी को कोरोना वैश्विक महामारी से मुक्त रखने के लिए टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर के निर्देश पर थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में 9 जनवरी की देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर तपोवन क्षेत्र में चौकी प्रभारी द्वारा 5 रेस्टोरेंट संचालकों और सर्विस देने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड में हो रहे आचार संहिता उल्लंघन का पर्दाफाश करेंगे। हरीश रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागवार उदाहरण देकर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले गिने। हरीश रावत ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करते हैं कि इन मामलों पर कार्रवाई की जाए। विकासखंड मुनस्यारी में 3 पुलिसकर्मी के साथ ही एक स्थानीय ग्रामीण के कोरोना संक्रमित निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 3 पुलिसकर्मी के साथ ही एक स्थानीय ग्रामीण में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं मुनस्यारी CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव ने 4 कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया है। 2 साल की मार के बाद अब तीसरा साल फिर से कोरोना ने पांव फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार मशीनरी ने इस बीमारी से बचाव के लिए बड़े स्तर पर मशक्कत तो शुरू कर दी है, लेकिन लोगों पर इसका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो लगभग अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। कई जगह तो संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में आखिर लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं, सरकार के गाइडलाइन को कितना समझ रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए पहाड़ टीवी की टीम श्रीनगर और कीर्तिनगर पहुंची। लेकिन यहां जो हालत है वह शोचनीय विषय है। झुंड में बैठे लोग और कांच बिना मास्क के ही मिले हैं। अभी हम मौजूद हैं कीर्तनगर में, जो कि टिहरी जिले के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे पुल पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार कोरोना का संक्रमण है जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और सरकार और तमाम विभागीय अधिकारी ये एडवाइस जारी कर रहे हैं, लगातार ये अपील लोगों से कर रही है सरकार के, आप मास्क पहने। लेकिन फिर भी स्थिति है कि लोग इतने लापरवाह है, मास्क कोई नहीं पहन रहा है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। यहाँ पे कुछ कुछ है जिन्होंने अब मुंह फेर लिए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहने। वहाँ पे आप देख सकते, कोई मास्क नहीं पहन रहा है यहाँ पे। और आपको पता है कि लगभग 2 साल कोरोना के चक्कर में भारी नुकसान लोगों को, जिंदगी का भी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है, तमाम दिक्कतें लोगों के सामने हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं बेहद लापरवाह, कोई मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं। आप नीचे की तरफ देखते हैं, दिखाइए कैमरे में, कोई किसी ने भी यहाँ पे मास्क नहीं पहना, बड़ी लापरवाही यहाँ पे देख सकते हैं। और हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से लापरवाही यहाँ पे चल रही है, और कहीं ना कहीं एक इनकी लापरवाही जो होती एक बड़ा सबब बन जाती है कहीं ना कहीं, और जो संक्रमण फैलता है कोरोना का वो इसी वजह से फैलता है कि आम आदमी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बेहद लापरवाह है, जिसके चलते जो संक्रमण है वो बढ़ जाता है, उसके बाद बीमारी बड़ा खतरा हर किसी के लिए बन जाती है। और जिस तरह से हम बता रहे थे, हम कीर्तनगर में है, और जो मेन पुल यहाँ पे कीर्तनगर का, यहाँ से ये टीरी की सीमा है, और अगर आप पुल क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको पौड़ी की सीमा मिल जाती है सीधे। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, अभी जो कोरोना का वायरेंट है, जो नया वायरेंट निकला है जो थर्ड फेज में, वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। और जिस तरीके से लोग मास्क पहनने के लगातार एडवाइस सरकार की तरफ से की जाती है, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश दिया जाता है कि आप मास्क जरूर पहने। अभी कई लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शराब की दुकान है, अंग्रेजी शराब की दुकान, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग बिना मास्क के यहाँ पे हैं, और उस दुकान के अंदर भी कई लोग होंगे, मैं देखना चाहूँगा। हालांकि दुकान के अंदर तो लोगों ने मास्क पहने, लेकिन जो ग्राहक जा रहे बाहर से, बहुत ही कम लोग यहाँ पे मास्क पहन रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगातार आपको बता दूँ कि प्रशासन की तरफ से, कि सरकार की तरफ से, सोशल मीडिया के जरिए भी और तमाम लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को यह लगातार यह अपील लोगों से की जाती है कि आप मास्क जरूर पहने। यहाँ तक कि मैं बात करूँ आपको, अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे भी साफ तौर से जो साइन बोर्ड लगे हैं उन पे भी जगह जगह आपको साइन बोर्ड दिखेंगे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, आप जरूर मास्क पहने। और अगर आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, समाज को सुरक्षित करना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। और मास्क पहनने से इस बीमारी का सबसे बड़ा, जो इस बीमारी से सबसे अधिक जो आप बच सकते हैं इस बीमारी से, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो मास्क ही एक सबसे बड़ा विकल्प है। इस पर आप मास्क जरूर पहने और अपनी जान को और समाज की जान को खतरे में न डालें। नमस्कार। जो कोविड गाइडलाइंस है उस
तक पालन करवाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने एसएसपी महोदय के आदेश पे भी और यहाँ पे जो है हमने पहले सभी व्यापार मंडल की और होटल एसोसिएशन की, टैक्सी एसोसिएशन की पहले हमने मीटिंग नहीं की। हमने कहा था सभी लोग जो है मास्क पहने और सब पहनवाएं और इसको जागरूक जन अभियान भी चलाया जा रहा है। आज हमने सिरपुर में व्यापार मंडल की टैक्सी यूनियन वालों की मीटिंग ली थी। व्यापार मंडल से भी हमने बात की है और हमने कहा कि भाई आप लोग भी अपनी दुकान का के गोले बनवाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं और किसी पास मास्क नहीं तो मास्क अपने पास रखें तो मास्क लीजिए। इसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक रैली भी निकाली थी एनसीसी कैडेट के साथ और हमारे पुलिस के जवानों के साथ। हमने पूरे मार्केट में एक रैली भी निकाली थी, हमने प्रोग्राम किया था, इसको लेकर जनजागरण चलाया था। इससे पहले भी स्कूलों में भी कॉलेजों में इस तरह के जनजागरण अभियान चलाए गए हैं और सभी को से अपील की गई और अनाउंसमेंट भी किया गया कई बार शहर के अंदर। मसूरी के पास धनौल्टी में बर्फबारी होने पर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं धनौल्टी में अत्यधिक पर्यटक होने के कारण मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी जेपी बैंड के पास पर्यटकों को धनौल्टी जाने से रोक दिया है। वहीं मसूरी धनौल्टी रोड पर जाम के झाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में पुलिस फोर्स की भारी कमी होने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि कल से जो है रात से बर्फबारी शुरू हो गई है। तो उधर क्योंकि गाड़ियों के फंसने की भी संभावना है, यात्रियों के फंसने की भी संभावना है और रश भी उस तरफ बहुत है, तो हम जेपी बैंड पे जो है बैरियर लगा करके लोगों को इस बारे में अवेयर भी कर रहे हैं और जिन लोगों की वहाँ बुकिंग है केवल उन्हीं लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं और जो पर्यटक जो है केवल वहाँ पे एक चक्कर लगा के वापस आना चाहते हैं उनको हम इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है और गाड़ियाँ वहाँ फंस रही हैं तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से ना घूमें, केवल बुकिंग हो तो ही आप जाएँ। ये हमने इसीलिए किया है कि ताकि यात्रियों को जो है इसमें परेशानी ना हो। अभी हम लोगों ने चेकिंग और चलान वाली ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो मसूरी आने वाले यात्री हैं तो उनको हम जगह जगह पे कुटाल गेट, कोलू गेट और बीच बीच में कई पॉइंट्स पे रोक करके हम उनका जो डबल वैक्सीनेशन है वो भी चेक कर रहे हैं और उनको अवेयर भी कर रहे हैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है वो ख़राब है 2-3 दिन आने वाले। और इसके साथ साथ मास्क के लिए जैसे आप ये अभी सुन रहे हैं PA सिस्टम में भी अनाउंस हो रहा है, प्लस हम अपनी गाड़ियों से भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगा कर ही रहें और जैसे कोविड की नई गाइडलाइंस आई हैं शासन की तरफ से कि जो भी होटल्स वगैरह हैं उनमें जो है और रेस्टोरेंट वगैरह हैं कि उनमें 50% क्षमता हो, तो उसके लिए हम लोग चलान की कार्रवाई कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो मानकों का जो है पूरी तरह से। लक्सर में बीते दिन हुए रेलवे लाइन के अंडरपास के शिलान्यास को लेकर यहाँ के व्यापारियों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। इन नाराज व्यापारियों का कहना है कि जिस अंडरपास के लिए हम लोगों ने रात दिन भूख हड़ताल की और दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक लक्सर के व्यापारियों ने कई चक्कर लगाए, इन सबके अनदेखी कर बीते दिन आनन फानन में आचार संहिता लगने से पूर्व लक्सर के विधायक संजय गुप्ता के भाई के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया जिससे व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि जिस अंडरपास के लिए व्यापारी लगातार संघर्षशील रहा उन व्यापारियों को शिलान्यास करते समय नहीं गया, उनकी अनदेखी की गई, इसी को लेकर लक्सर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया है। वर्षों से व्यापार मंडल पूरे लक्सर क्षेत्र का अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। धरने दिए गए, ज्ञापन दिए गए, SDM से लेकर रेलवे के बड़े उच्च अधिकारियों तक, रेल मंत्री तक, भारत के प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने ये बात उठाई और आज बड़े हर्ष का विषय है कि अंडरपास हमारे लिए, रेलवे को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हमारी मांग को स्वीकार किया, व्यापारियों की मांग को स्वीकार किया। लेकिन जिस प्रकार से अंडरपास बनाए जाने को लेकर नारियल फोड़ने की जो एक औपचारिकता की गई और उसमें व्यापारियों की अनदेखी की गई उससे व्यापारी वर्ग लक्सर का नाराज है। जो लगातार पिछले 10 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि बने हुए हैं वो ट्रेन तो यहाँ रुकवा नहीं पा रहे हैं। अंडरपास जो कि व्यापारियों की डिमांड पर बना, व्यापारियों के आंदोलनों पे बना, व्यापारियों की पृष्ठभूमि पे बना, उसका श्रेय लेने की होड़ के चक्कर में यहाँ नारियल फोड़े जा रहे हैं। ये हमने विरोध दर्ज कराया है कि जब इसकी उद्घाटन होना था तो इसमें व्यापारी वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए था। आज हम भारत सरकार को इसके लिए बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये व्यापारियों की मांग को माना, लेकिन जिस तरह से इस पर ओछी राजनीति हो रही है इसका भी हम व्यापारी वर्ग विरोध करते हैं। रेल विभाग को बधाई देना चाहेंगे अंडरपास का जो उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन हम 4 सालों से इस संघर्ष को करते आ रहे हैं। 4 DRM आगे जा चुके हैं, 4 DM बदले जा चुके हैं, 4 IGM आगे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या को देखने वाला नहीं था। अभी हाल ही में छठ पूजा वाले दिन 2 बच्चे हताहत हुए, शहीद हुए, ट्रेन की चपेट में आ गए, फिर हम लोग
धरने पर बैठे, हमने अनशन भी किया और अनशन के बाद डीआरएम साहब लक्सर में आए, डीएम साहब लक्सर में आए और अंडरपास की एक नई रूपरेखा तैयार करके गए, लेकिन यहाँ की ओछी राजनीति की वजह से वो धरना स्थल पर बच्चों को श्रद्धांजलि देने भी नहीं आ पाए। और वही कल हुआ, हमें बिना बताए व्यापारी वर्ग को किसी को भी नहीं इतला किया गया कि शिलान्यास हो रहा है, दो आदमी आ जाओ, आचार संहिता लगने वाली थी, आचार संहिता से कुछ पल पहले ही इन लोगों ने शिलान्यास कर दिया कि चुनाव आने वाला है, चुनावी वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन जनता देख रही है कि संघर्ष किसने किया है, बलिदान किसने दिया है और कौन इसके लिए भाग दौड़ की है, दिल्ली से मुरादाबाद तक कौन भागा है, सबको बताया। जनता ने संघर्ष किया है, प्रशासन को झुकाया है, वरना लक्सर में अंडरपास बनाने की बात तो इस लक्सर विधायक ने सपने में भी सोची नहीं होगी। जनता के दबाव में, जनता के आंदोलन के कारण डीएम और डीआरएम ने आकर यहाँ पर अंडरपास मंजूर किया है और जिस प्रकार से चोरी छिपे या समझिए कि बिना लोगों को सूचना दिए, बिना समाज को सूचना दिए, जिस प्रकार नारियल फोड़ने का नाटक कल यहाँ पर विधायक के भाई ने आचार संहिता के अंतिम पलों में, जब आचार संहिता लगने वाली थी अंतिम पलों में आगे यहाँ पर उद्घाटन करने का जो नाटक किया है, जनता उसकी घोर भर्त्सना करती है। इस विधायक ने हमेशा ये शैली रखी है कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, उसने केवल क्रेडिट लेने के लिए इस काम में नारियल फोड़ने की नाटकबाजी दिखाई है, वरना ये आंदोलन जो यहाँ पे 8 दिन लोग धरने पर बैठे, सुंदर भाई हमारे वो हड़ताल पर बैठे थे, उनके आंदोलन से ये कार्य सिद्ध हुआ था और इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूँ लक्सर के व्यापारियों और सुंदरलाल भाई जो हमारे साइकिल वाले हैं उनको जाना चाहिए। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा आमजन को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। कल 9 जनवरी को उत्तरकाशी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाकर कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना मास्क के 33 और सामाजिक दूरी का पालन न करने पर 79 चालान पर 24,400 रुपए संयोजन वसूला गया। रुद्रप्रयाग जिले के केदारघाटी निवासी और वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री अजेंद्र अजय को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि अजय इस बार केदारनाथ विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और इसके लिए वे लगातार क्षेत्रीय जनता के बीच थे, लेकिन अब फिलहाल भाजपा सरकार ने युवा चेहरे को जिम्मेदारी देने से युवाओं में उत्साह है। अजेंद्र के अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने कहा कि उत्तराखंड में दूसरे फेज में चुनाव होना है, चुनावों में चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनका सख्ती से पालन कराया जाए। हमारे यहाँ पे जो सेंसिटिव और वल्नरेबल जो बूथ है उसके लिए पर्याप्त मात्रा से वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर या नॉन CAPF मेजर्स से इसको फुलफिल करा रहे हैं। आज की जो बैठक में बेसिकली कोविड का जो गाइडलाइंस है, कोविड का गाइडलाइंस में जो SDM है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी के अनुसार जो गाइडलाइंस आया है और जो कमीशन से गाइडलाइंस दिया है गया है, जिसमें हर कैंपेनिंग पीरियड कब पे जो भी रैलीज होंगे, जब परमिशन मिलेगा उस रैलीज में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, कौन सी चिल्लित ग्राउंड्स में ये होगा, उसके बारे में सभी डिस्कशंस DM साहब के साथ और SP साहब के साथ और बाकी सभी RO साहब के साथ हुआ है और उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस बताया है कि कोविड का सभी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स और आपका जो थर्मल स्कैनर्स के यूज़ करते हुए ही करना चाहिए। जो ट्रेनिंग्स होता है हमारा पर्सनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स का, उसमें भी ये सभी केयर लेना चाहिए। नशे के लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस लाइन ज्ञान से उत्तरकाशी में किया गया नशा मुक्त काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। नशे के आदि हो चुके पुलिस कर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने और उनको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के आदेश अनुसार पुलिस लाइन ज्ञान से उत्तरकाशी में 8 जनवरी और 9 जनवरी को 2 दिवसीय नशा मुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद उत्तरकाशी में नशे का सेवन करने वाले पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग की गई। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र 7 संसार 1 मुनस्यार नाम से विख्यात विकासखंड मुनस्यारी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों के साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में भी मौसम के बदलते करवट देख और लगातार रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भारी बर्फबारी होने के संकेत प्राप्त हो रहे थे, जिसमें कल सुबह से ही दिन भर हुई मूसलाधार बारिश से ठंड काफी हद तक बढ़ चुकी है।
सरकार की उपलब्धियों के 5 साल पर स्थानीय लोगों ने चुटकी ली है। गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदल देना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं गरुड़ बाजार क्षेत्र में शौचालय न होना भी सरकार की उपलब्धि को दर्शाता है। दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचे बुजुर्ग ने बताया कि वे वर्षों से अपने गाँव की सड़क को लेकर प्रयासरत है। तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक अपनी समस्या पहुँचा चुके हैं, लेकिन आज भी सड़क निर्माण कार्य से जुड़े कागजों को लेकर इधर से उधर भाग रहे हैं। विधायक जी को आपने कागज दिखाए थे, तो उनके द्वारा क्या कहा गया आपसे? उनके द्वारा कहा गया कि कागज दिए गए हैं, जनप्रतिनिधि का भी मेरे पास मुहर प्राप्त है, 2 सरपंच रतौड़ा एंड जरौड़ा, ग्राम प्रधान जरौड़ा के भी मेरे पास उपलब्ध हैं, प्रमुख वन संरक्षक एंड नोडल अधिकारी देहरादून को भी मैं अवगत करा चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के ऐप नंबर 1905 पर मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूँ, पर मेरी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो जैसा कि इनने बताया, सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधियों के पास अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सड़क के निर्माण कार्य के लिए आज भी चक्कर ही काट रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, किस तरीके से देख रहे हैं? उपलब्धियाँ हैं सर, उपलब्धियाँ तो गिनाई जाएंगी। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, जबकि केंद्र में वर्तमान बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी केंद्र बीजेपी की सरकार होते हुए भी 3 मुख्यमंत्री बदल देना ये सरकार की उपलब्धि नहीं तो और क्या है। 3 मुख्यमंत्री वो तो गनीमत समझो। ये रामलीला मैदान जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केटी पांडे जी द्वारा दान दिया गया, नहीं तो गरुड़ बाजार इतना बड़ा बाजार है जिसमें पेशाब घर की सुविधा वर्तमान सरकार मुहैया नहीं करा सकती है। तो आप उपलब्धि लगा सकते हैं गरुड़ बाजार में कि एक पेशाब घर का न होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। सर, आपने एक बात कही थी कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्रियों को बदल देना आपने बताई थी। तो वहीं कल राजनाथ सिंह ने उत्तरकाशी दौरे पर यह बयान दिया था कि यह भाजपा के अंदरूनी संगठन का मामला है, चाहे हम 3 बदलें आखिर 10 मुख्यमंत्री बदलें, तो इससे किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। तो किस तरीके से ले रहे हैं? इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा बताओ? जनता ही तो इसका खामियाजा भुगतेगी। आप मुख्यमंत्री बदल लो, उनको पेंशन देने की, उनको पैसा कहाँ से आएगा? वो भी तो जनता से ही वसूला जा रहा है। ये जितनी भी निजी खर्चे हो रहे हैं ये वो कहाँ से आएगी? तो जनता के रूप से निकलना है, तेल तो जनता से ही निकालना है ना। जनता को सुविधा को सुविधाएँ देने के बजाय असुविधा दे रहे हैं। अस्पताल नहीं तो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि सरकार जहाँ अपनी एक और अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है, वहीं दूसरी ओर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से जनता देख रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी रुझान आपको दिखाते रहेंगे। जनता का क्या कहना है, किस तरीके से ले रही हो सरकार की इन 5 साल की उपलब्धियों को, पहाड़ टीवी लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। काशीपुर में 14 दिन तक चलने वाली आम आदमी पार्टी की नव परिवर्तन यात्रा 3 दिन में ही समाप्त हो गई है। दरअसल कोविड गाइडलाइन के चलते ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने बताया कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उनकी ये पद यात्रा स्थगित की गई है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे लिए जनता तक ये संदेश पहुँचाने के लिए कि जो पदयात्रा मैंने काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा शुरू की थी 14 दिन के लिए, लेकिन कल आचार संहिता लगने के बाद मुझे वो रास्ते में ही समाप्त करनी पड़ी है। और तो जो मुझे रात्रि प्रवास करने थे अगले 14 दिन तक, तो वो कल 3 दिन में ही मुझे इसको स्थगित करना पड़ा है। और इस संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है, लेकिन इन 3 दिन में जो मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। 3 दिन पदयात्रा रही, कितने ग्रामीण क्षेत्रों को आप कवर कर चुके और किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई? लगभग देखिए, मैं 9 गांव तक पहुंच चुका था और कल मैं नगर निगम क्षेत्र में भी पहुंच गया था। ढकिया गुलाबो गांव और गौतम नगर तक मैं आ चुका था। और समस्याएं वही बिजली और पानी और स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य इनको लेकर थी। मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि सड़क का निर्माण कर दिया गया है तो पानी निकासी के लिए उस पर नाली की व्यवस्था नहीं की गई, मतलब सड़क पर आधा 1-1 फुट पानी 1.5 फुट पानी खड़ा है और वो ग्रामवासियों के लिए बना तो दी गई लेकिन वो बेचारे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मतलब बिना किसी योजना के और ऐसा विकास कर दिया गया कि वो विकास मुझे नहीं लगता किसके काम आएगा। अगर जिसने उस सड़क का निर्माण कराया है, चाहे वो विधायक हों चाहे वो मेयर हों, अगर वो भी उस सड़क पर एक बार आकर जाकर दिखाए तो उनको समझ में आएगा कि योजना बनाते हुए और उसका क्रियान्वयन में कितनी बड़ी चूक की गई है।
कल 9 जनवरी को चमोली जिले के जोशीमठ में कोरोना बम फटा। डॉक्टर उमर रावत ने बताया कि 34 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी लोग रोपवे कर्मचारी हैं। इस खबर के बाद जोशीमठ में हलचल मच गया। इन दिनों औली में बर्फबारी के बाद हजारों की संख्या देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अधिकतर पर्यटक रोपवे से औली का दीदार कर रहे थे, जिससे इस तरह की संभावनाएं थी कि संक्रमण बढ़ सकता है। रोपवे से संबंधित कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रोपवे संचालन करना भी चुनौती होगा। ये जोशीमठ रोपवे के कुछ कर्मचारी जो है दो दिन पहले बुखार जुकाम से आए थे, तो वो पॉजिटिव आए थे दो। उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वहाँ पे उनके साथ काम करने वाले हमने 34 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें से कि अभी तक 27 लोगों की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। और अभी आज की तारीख में हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 51 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। उत्तराखंड में चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले राज्य सरकार ने बैकडोर नियुक्तियां, बर्खास्त अधिकारियों को पुनः नियुक्ति देकर आप प्रदेश के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये कहना है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा धसौनी का। धसौनी ने कहा कि एक और अवैध खनन मामले में जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट की 11 दिसंबर को बर्खास्तगी के बाद बहाली कर दी गई है, और न सिर्फ बहाल किया गया बल्कि बर्खास्तगी की तारीख से ही उनकी बहाली के आदेश निकाले गए। वे अपने आप में करने वाला है। देखिए, जिस तरह से यहाँ प्रदेश के अंदर अंधेर गर्दी मचाई गई, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में धड़ाधड़ बैकडोर नियुक्तियां की गई, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि सचिवालय में भी हर विभाग में जिस तरह से मोटी उगाही करने के साधन जुटाए गए, उसको देखकर आज प्रदेश की जनता क्षुब्ध है। आज सारे समाचार पत्र इस बात से पटे हुए हैं कि किस तरह से घंटों यमुना कॉलोनी में बैठकर पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां से सरकार चलाने का काम किया है, और उनको पता था कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनकी सियासी जमीन इस बार खिसकने वाली है, दोबारा वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए अपने और अपने निकटवर्ती लोगों के खजाने भरने के लिए सारे साधन जुटाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।